हेलो डियर स्टूडेंट्स, डीओई मिशन बुनियाद, हमारा गणित डेट 23। वस्तुओं को लोगों में बांटें और तालिका में भरें। तो बेटा 28 कंचे हैं आपके पास मार्बल्स, और उनको यहाँ पे तीन लोगों को हमें दिखा रखे हैं, तीन लोगों में बांटना है। तो बांटने के लिए क्या करते हैं, भाग। तो 28 को तीन से आप भाग करेंगे, 3 × 27, 9 पूरा चला गया और एक बच जाएगा आपके पास। यहाँ 15 टॉफ़ी चार लोगों में भाग है, तो 15 भाग 4 किया आपने, 4 × 3 = 12, और 3 ही बच गए। यहाँ पे 35 फूल तीन लोगों में, 35 भाग 3 कर देंगे, 11 × 3 33 चला गया, नीचे 2 बच गए आपके पास रिमाइंडर। एक दर्जन केले को दो लोगों में बांटने, एक दर्जन केले मतलब 12, 12 भाग 2 पूरा 6 केले आ गए, कुछ भी शेष नहीं बचा। यहाँ 19 बिस्कुट्स को पाँच लोगों में बांटना है, तो 19 भाग 5, 3 3 तो सबको मिल गए और 4 आपके पास बच गए। समर ने 165 रुपये के 3 गुने से 18 रुपये अधिक की एक मशीन खरीदी। तो हम कैसे करेंगे, 165 का 3 गुना करेंगे पहले, 165 × 3। अब इससे भी 18 रुपये ज़्यादा हैं, 3 गुना से 18 रुपये ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा के लिए जमा कर दिया और उसे 850 रुपये में बेच दिया। तो पहले इसका मतलब इतने में खरीदी है बेटा, इसे सॉल्व करेंगे, 495 + 18 आंसर आ गया, 513 रुपये में खरीदी। अब 850 रुपये में बेच दिया, खरीदी इतने में है, बेची कितने में, 850 में, इसका मतलब लाभ हो रहा है उसे ज़्यादा में बेचा है। तो घटा के हम निकाल लेंगे, 337 रुपये प्रॉफिट पे उसने बेच दिया। अनुराधा के पास 2 रुपये और 5 रुपये के कुछ नोट हैं, पहले भी हम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, जिनका मूल्य 341 रुपये है। 2 रुपये वाले नोटों की संख्या 5 रुपये वाले नोटों की संख्या से 20 अधिक है, तो जिस से बोला जाता है उसको हम मान लेते हैं, 5 रुपये से बोला है ना, तो 5 रुपये की मान लिए एक्स नोट है, तो 2 रुपये वाले कितने हैं, इससे 20 ज़्यादा। अगर मान लीजिए ये 10 हैं तो 2 रुपये वाले 20 ज़्यादा है, यानी कि 30 है, तो हमने माने एक्स, तो इसका मतलब 2 रुपये के नोट हो गए एक्स जमा 20, 20 ज़्यादा का मतलब जमा कर देंगे आप एक्स जमा 20। अब वो कहता है कि दोनों का मूल्य 341 रुपये है, तो मूल्य भी हमने सीखा था बेटा, 5 के नोट की संख्या एक्स है, तो इनका मूल्य कितना हो गया 5x, और ये सारे 2 के नोट हैं तो 2 से गुणा कर देंगे, इनकी कीमत इतनी हो गई। अब दोनों को जमा कर देंगे तो जमा करके 341 रुपये बनते हैं, है ना, ये इक्वेशन बन गई हमारा समीकरण। इसे सॉल्व करेंगे, 5x + 2x, फिर 2 को 20 से भी गुणा करेंगे 40, अब 5x + 2x = 7x, और 40 इधर जाके घटा कर देंगे बेटा, एक जैसी चीज़ें एक तरफ रखेंगे बाकी फालतू उधर। तो 341 घटा 40 301, अब खाली x को यहीं रखेंगे, 7 को इधर भाग में ले जाएंगे, जमा को घटा में, गुणा को भाग में, तो आपके पास आ गया, यानी कि 43 नोट्स हैं मेरे पास 5 रुपये के, और 2 रुपये वाले कितने बने, इससे 20 ज़्यादा, तो 43 में 20 जोड़ेंगे तो आप 63 हो गए 2 रुपये वाले। एक साइकिल 1700 रुपये में ख़रीदी गई और उस पर 250 रुपये अतिरिक्त खर्चा हुआ, यानी कि उसके कुछ पॉलिश वगैरह या कुछ भी बेटा ऊपर से और 250 रुपये खर्च कर दिए, तो कितने की पड़ी आपको साइकिल, 1700 + 250, यानी कि 1950 रुपये की खरीदी साइकिल। अब उसने 1950 की खरीदी है और 375 रुपये की हानि पर बेच दिया, हानि भी लिख लेते हैं, इसका मतलब उसने कितने में बेची, खरीदी ज़्यादा में होगी और हानि हो रही है, इसका मतलब बेची कम में है, तो इसका मतलब घटाएंगे अब हम इसे, 1575 रुपये में उसने अपनी साइकिल बेच दी बेटा। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।